17 अक्टूबर से शुरू होने वाले अश्विन नवरात्रों को लेकर बिलासपुर डीसी राजेश्वर गोयल ने मंदिर ट्रस्ट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ व्यवस्था बैठक की है। डीसी कार्यालय स्थित बचत भवन में आयोजित इस बैठक के दौरान जहां शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई, तो साथ में कोविड-19 को ध्यान में रखकर सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजेशन के भी पुख्ता इंतजामों की समीक्षा की गई। वहीं अश्विन नवरात्र की तैयारियों के संबंध में जानकारी देते हुए डीसी राजेश्वर गोयल ने बताया कि नवरात्र के दौरान शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में देश भर से काफी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, जिसको देखते हुए रोजाना 22 घंटे मंदिर के कपाट खोले जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें मंदिर परिसर में बनाए गए 3 स्क्रीनिंग काउंटर में टोकन लेने के बाद ही श्रद्धालु माँ नैना देवी के दर्शन कर पाएंगे। इसके साथ ही कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग थर्मल स्क्रीनिंग की पूरी व्यवस्था की गई है, तो साथ श्रद्धालु के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वहीं राजेश्वर गोयल ने बताया कि नवरात्रि के दौरान केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा जारी SOP के दिशा निर्देशों की भी पूरी पालना की जाएगी, साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा प्रसाद चढ़ाने, लंगर, हवन, मुंडन व शादी विवाह सहित भजन कीर्तन जैसे आयोजनों पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही CRPC की धारा 144 के अंतर्गत तेज धार हथियार व कोई भी आपत्तिजनक वस्तु रखने पर भी प्रतिबंध रहेगा। वहीं रोड मैप की बात की जाए तो ट्रक, ट्रैक्टर व टेम्पो के जरिए देश भर से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को वाहनों को टोबा व भाकड़ा स्थित ग्वालथाई बैरियर में ही रोका जाएगा, जबकि बसों, प्राइवेट कारों व टैक्सियों को पार्किंग स्थल तक आने की परमिशन दी गई है, तो साथ ही मंदिर परिसर तक बनवे किया गया है ताकि ट्रैफिक को लेकर श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई असुविधा ना करनी पड़े। कड़ाई से अनुपालना करवाई जाएगी और उन चीजों को दृष्टिगत रखते हुए एक तो हमारा जो हलवा का प्रसाद होता है, नारियल इत्यादि, उनका चढ़ाना जो है प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि आपने प्रतिबंधों के विषय में पूछा है कि किन किन चीजों पर प्रतिबंध है। इसके अतिरिक्त लंगर की व्यवस्था मंदिर की तरफ से नहीं होगी, लंगर जो है प्रतिबंधित रहेंगे। हवन, मुंडन, शादी विवाह, अन्य जो आयोजन, क्योंकि उसमें अधिक संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं ताकि संक्रमण ना फैले, और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन जो है, SMS का जो हमारा जो 3 पॉइंट्स हैं, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये प्रतिबंध आवश्यक थे। और धार्मिक आयोजन भी अलाउड नहीं होंगे, जैसे कोई भजन है या कीर्तन है, ये भी जो है वर्जित रहेगा, प्रतिबंधित रहेंगे। और इसके साथ साथ धारा 144 CRPC के अंतर्गत जो है, मतलब इस मेला क्षेत्र में 17 से 26 अक्टूबर तक अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, दूर से मारने वाले हथियार, तेज धार वाले जो हथियार होते हैं उनको उठाकर चलना जो है वो भी प्रोहिबिटेड रहेगा। और जो बाहरी राज्यों से जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, टेम्पू जो है, भीड़ नियंत्रण के विषय में बात कर रहे थे, दर्शनों के विषय में बात कर रहे थे, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो मंदिर है हमारा 22 घंटे दिन में खुला रहेगा, रात मध्य रात्रि 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे दर्शन नहीं होंगे, और बाकी 22 घंटे जो है इस दौरान में दर्शन जो है वो होंगे माता के। और इसमें मतलब जैसे टोकन सिस्टम का मैंने जिक्र किया, तो हम आशा करते हैं कि जितना जो गत वर्षों में, गत नवरात्रों में जिस प्रकार से, जिस संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उसको देखते हुए ये 22 घंटे पर्याप्त रहेंगे। और व्यवस्था हमारी उसी प्रकार से रहेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए हम उसको रेगुलेट करें, वो पूरा जो है कार्य योजना हमने बनाई है।